नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में NCOI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें महिलाओं के उत्थान और समानता को लेकर विचार रखे गए। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। भारत में महिलाओं की एक बड़ी आबादी कृषि के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देती आई है। पर्दे के पीछे अपना श्रमदान कर रही ये महिलाएं अब नई इबारत गढ़ रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं अपने हुनर और क्षमता को नया रूप देने में लगी हुई हैं और उनके सार्थक प्रयास को निखारने और मंच देने का काम कर रहा है NCUI। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यहाँ विविध रूपों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से आई महिलाएं शामिल हुई, साथ ही महिलाओं की मौजूदा स्थिति पर अपने अपने विचार रखे। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने NCOI के प्रांगण में। इस उपलक्ष्य में मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ कि महिलाओं का सहकारिता क्षेत्र में बहुत योगदान है और ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए हम इस तरह के आयोजन करते रहें और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो ये महिलाओं के लिए रिकॉग्निशन दी गई है और हर साल 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है तो उसमें सहकारिता क्षेत्र में भी यह मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि इसके माध्यम से हम सहकारिता से जुड़ी हुई तमाम महिलाओं का हम आदर कर सकें। देखिए, जो सहकारिता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की अधिकतर जनसंख्या अभी भी गाँव में रह रही है, करीब 65% तक लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो सहकारिताएँ हैं, जो एग्रीकल्चर से और कृषि से संबंधित सहकारिताएँ हैं, उनका जो कंपोनेंट है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में सबसे बड़ा है। जो 8,50,000 हमारी कोऑपरेटिव हैं प्राइमरी, उसमें सबसे बड़ा जो कॉम्पोनेंट है वो कृषि सहकारिता का है। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, सर्वविदित है कि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में, UN का ये डेटा है कि इंडिया में करीब 75% जो खेती का काम है, 80% खेती का काम है वो महिलाएं कर रही हैं। तो आप देखिए कि हमारी जो सहकारिता है NCOI, वो हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और कृषि क्षेत्र में 75% जो लेबर है, जो श्रम है, वो महिलाओं द्वारा दिया जा रहा है। तो NCOI बहुत सारे काम कर रही है, कई बहुआयामी मैं कह सकती हूँ, बहुआयामी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हमारी सरकार कह रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए और हमेशा कहा गया है कि एक शिक्षित महिला, एक आत्मनिर्भर महिला पूरे परिवार को और अपने पूरे समाज को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाती है। तो महिलाओं पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है और सहकारिता के क्षेत्र में NCOI ने बहुत आगे बढ़ कर के इस पे काम करना शुरू किया है और एक लीड ली है। इसकी वजह से हमारे नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया में महिला एम्पावरमेंट कमेटी बनी हुई है जिसमें कि पूरे देश भर से विभिन्न महिला नेत्रियों को उसमें जोड़ा गया है। उसकी हम लोग मीटिंग करते हैं और उसके अलावा हम महिलाओं के सशक्तिकरण पे बहुत जोर दे रहे हैं। तो और जैसे कि सहकारिता के बारे में भी नारा दिया गया है कि सहकारिता से समृद्धि, तो सहकारिता से समृद्धि और उसमें महिलाएं इतनी जुड़ी हुई हैं जो, तो ये जो उनका आत्मनिर्भर
स्वरूप जो महिलाओं का हमें देखना चाहिए उसमें सहकारिताएं एनसीयूआई के लीडरशिप में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज देश ही नहीं विदेशों में भी महिलाओं को लिंग और सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देने में सहकारिताएं विशेष भूमिका निभा रही हैं। एक शोध के अनुसार हर सहकारी क्षेत्र में 3 पुरुष सदस्यों पर 1 महिला सदस्य कार्यरत है। वहीं इन क्षेत्रों में अहम निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बनी हैं। इस बारे में खुद महिलाओं की क्या राय है, आइए जानते हैं। मैं स्वयं सहायता समूह चलाती हूँ एक, और मैं एनसीवाई हार्ट से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि हमें इन्होंने एक रास्ता दिया है कि किस तरह से हम अपने आगे बढ़ सकते हैं। जो हम अपना होममेड सामान बनाते हैं उसको हम कैसे आगे और बढ़ावा दे सकते हैं। मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपना कार्य शुरू किया था, महिला औद्योगिक महिला सहकारी मंडली, उनके बाद भाग्यलक्ष्मी महिला क्रेडिट सोसाइटी की, जिनके माध्यम से हमने सारी महिलाओं को किस तरह से रोजगार दिया जाता है उनके लिए हमने काम करना शुरू किया था। उनके बाद हमने सोचा कि भी महिलाओं के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो काम किया जाता है, आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन पर मैं सभी महिलाओं को बधाई के साथ ही बताना चाह रही हूँ कि कोई भी महिला हो, वो महिला अपने पैरों पे खड़ी रहती है जब तक, तब उनका स्वमान बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है। तो उनके हिसाब से महिलाओं को सभी जगह में, सभी कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही में महिलाओं के लिए क्या काम है कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम बताया जा सके, तो अभी पूरे देश में पहली दफ़ा सहकार मंत्रालय बना और उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। तब हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़े, और हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि भाई लैंगिक समलैंगिक पुरुष और स्त्री समानता के साथ आगे बढ़े, तो उनके बाद महिलाएं भी सब अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के हिसाब से महिलाएं सब इकट्ठी होकर कोई छोटा मोटा गृह उद्योग बनाए, उनको तालीम दी जाए, उनके माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही में महिलाओं के लिए आज एनसीआई भी बहुत मायने में काम कर रहा है कि महिलाओं को जो उत्पाद बनता था, उत्पाद कहाँ बेचने जाए, उनको मार्केट नहीं मिल रहा था, तो आज एनसीआई ने पूरे देश में पहली दफ़ा एक मार्केट खड़ा किया और महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने के, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज कोऑपरेटिव सेक्टर सबसे आगे बढ़ रहा है। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम और हमारा देश उस ओर जा रहा है जहां से समानता और उन्नति की राहें आकर मिलती हैं। इन्हीं प्रयासों को मूल रूप देने में सरकार और हर महिला अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। मुझको न समझो तुम बेचारी, जननी हूँ दुर्गा हूँ और हूँ काली, आंसुओं की धार न समझो, मैं हूँ शक्तिशाली, मैं हूँ शक्तिशाली, मैं हूँ आज की नारी, मैं हूँ आज की नारी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट हमारा पशुधन के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली, द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात, प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। मधुमक्खी पालन आज के समय में एक उभरते हुए व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है। यूं तो सदियों से हमारे देश में शहद का सेवन किया जाता है, लेकिन अब उसकी अच्छी गुणवत्ता के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए हमारी सरकार और किसान दोनों का ही ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहद उत्पादन किया जा सके, जिससे कि मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में न केवल महिलाएँ बल्कि युवा वर्ग भी आगे बढ़कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सके या कहीं रोज़गार की प्राप्ति हो सके।
और हमें अच्छी गुणवत्ता वाला शहद मिल सके। तो आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे देश का युवा वर्ग कम समय में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। इतना ही नहीं, इस व्यवसाय के और भी लाभ हैं, जैसे मधुमक्खियां जब शहद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हैं, तो फसलों में परागण बढ़ता है, जिससे उपज में इजाफा होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इस बहुउपयोगी व्यवसाय में इजाफा करने के लिए हनी मिशन प्रारंभ किया गया है और केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है। इस क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार एक और पहल कर रहा है, जिसके तहत 10,000 नए FPO बनाने पर काम किया जा रहा है। इन FPO में शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। साथ ही शहद की ठीक से जांच हो, इसीलिए देश में अनेक जगह लैब बनाई गई है। साथ ही प्रोसेसिंग सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। और क्या है सरकार के प्रयास, आइए जानते हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को लेकर सरकार की ओर से समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे इन व्यवसाय से जुड़ने वाले नए युवाओं को समुचित व उपयोगी जानकारी दी जा सके। सरकार ने हनी मिशन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी NBHM को दी है। इस मिशन का लक्ष्य देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास करना है, जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी NBB के माध्यम से लागू किया जा रहा है। साथ ही NBHM का मुख्य उद्देश्य कृषि और गैर कृषि परिवारों के लिए मधुमक्खी पालन के माध्यम से आमदनी और रोजगार संवर्धन करना है। इसके अलावा प्रोत्साहन देना, कृषि व बागवानी उत्पादन को बढ़ाना, शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं, मधुमक्खी रोग निदान की प्रयोगशालाएं, परंपरागत भर्ती केंद्रों, एपीथेरेपी केंद्रों, न्यूक्लियस स्टॉक, बी ब्रीडर्स आदि की स्थापना और मधुमक्खी पालन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना शामिल है। इतना ही नहीं, NBHM शहद में मिलावट से निपटने के लिए शहद के लिए ढांचेगत सुविधाओं में कमियों को दूर करने और सीमांत मधुमक्खी पालकों को संगठित तरीके से जोड़ने में भी मदद करेगा। साथ ही NBHM का उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क बनाना, मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ाने के लिए शहद के उत्पादन के साथ साथ अन्य मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में देश में 25 AICRP केंद्र हैं, जो मधुमक्खी पालन और परागण में अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हैं। साथ ही ICAR पूरे भारत में AICRP केंद्रों के तहत परागणकारी उद्यान बनाने वाला है। इस तरह का पहला परागणकारी उद्यान गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। वहीं नेफेड मधुमक्खी पालकों व शहद प्रसंस्करणकर्ताओं के 65 समूह यानी किसान उत्पादक संगठन बना रहा है। ये 65 FPO उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाले हनी कॉरिडोर का हिस्सा होंगे। नेफेड का लक्ष्य शहद उत्पादन से जुड़े इन सभी 65 FPO को राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण से जोड़ना है। इस कड़ी में नेफेड ने 5 FPO का पंजीकरण पहले ही कर लिया है। इसके अलावा ट्राइफेड पहले से ही देश के आदिवासी हिस्सों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और जंगली शहद की खरीद में शामिल है। ट्राइफेड ने 2020-21 के दौरान विभिन्न देशों को 115 लाख रुपए के शहद का निर्यात भी किया है। सरकार के इस चहुंओर प्रयासों से मधु के क्षेत्र में सुखद विकास होना लगभग तय है। कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सौरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई
पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कहानी। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। है जिनके दम से कायम बस हमारे मुल्क की ताकत। सलामी दे रहा हूं बीएसएफ के नौजवानों को। सूरज खुद अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को जो अपना जीवन वतन के नाम करते। ये अब हमारा एक परिवार है। जब परिवारों के साथ मिलकर के हम बैठे हैं और एक ये दोगुनी मतलब अंदर से एक ऐसी खुशी महसूस होती है जिनको हम जाहिर नहीं कर सकते। यारों से एक निवेदन मत पी लेना भांग, वरना छत से गिर जाओगे टूट जाएगी टांग तो मेरा सारा। देखिए होली पर हमारी खास पेशकश रंग देश का, शुक्रवार 18 मार्च दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्ता। शुद्ध भोजन और स्वच्छ दूध की चाहत ने एक शख्स को पशुपालन के क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। आज वे खुद का पैक किया गया स्वच्छ गाय का दूध लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वे कौन हैं और किस तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़े, आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। गाय को सपत्नी दुलार दे ये है चंद्रपाल सिंह जी, जो इस समय अपना डेयरी फार्म संचालित कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि चंद्रपाल जी ने कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी सेवाएं देने के बाद 2018 में अपने गांव वापस आकर इस डेयरी फार्म की शुरुआत की। उनका सपना था कि वो ऐसे काम से जुड़े जिससे प्रेरणा लेकर गांव के युवा शहरों की तरफ पलायन ना करें बल्कि गांव में रहकर आत्मनिर्भर बने। मैं छोटी सी उम्र में दिल्ली चला गया था, फिर मेरी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से ही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया, देन आई डिड लॉ फ्रॉम देयर ओनली। फिर मैं ने अपना काम शुरू करा और आई वॉज एन एडवर्टाइजर प्रायर टू दिस जॉब और बहुत साल कॉरपोरेट जॉब किया और उसमें कॉरपोरेट जॉब करने के बाद उसमें देखने के बाद लगा कि कुछ अलग किया जाए और ज़मीन से जुड़ा जाए और अपने गांव, कहते हैं ना कि एक उम्र पे आने के बाद अपना गांव याद आता है, तो गांव याद आया तो फिर गांव की तरफ रुख किया तो देखा गांव में आके कि यहाँ पे बहुत यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है और शहर में एक चीज़ नोटिस करी कि जो हम जो खा रहे हैं या जो दूध ले रहे हैं, जो सब फल सब्जी वाले, कहीं ना कहीं उनमें प्योरिटी की कमी है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद लगा कि अपने गांव में भी आने से कुछ यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा और मैं शहर में अपने कंज्यूमर को बेस्ट प्रोड्यूस दे पाऊँ, जो भी एक बेटर चीज़ होती है। उसी उसमें एक पहल शुरू करी थी तो आई स्टार्टेड विद मिल्क, डेयरी से स्टार्ट किया। 2018 में मैंने यहाँ पे नींव रखी थी और करते करते आज हम अपना प्रोडक्शन पे आ चुके हैं और ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यहाँ पे मिल्क सप्लाई भी दे रहे हैं। चंद्रपाल जी सिर्फ डेयरी संचालन ही नहीं कर रहे बल्कि अपनी डेयरी फार्म के दूध को पैक करके बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं। वो मानते हैं कि उनके उपभोक्ताओं तक बिना मिलावट का दूध पहुँचे, इसके लिए उन्होंने एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा रखी है। इस समय वो दूध और घी बेच रहे हैं।
उनके उत्पाद एक अनोखे पैक में उपलब्ध है जो कि पर्यावरण के हिसाब से भी अनुकूल है। तो मिल्क को लेके है कि प्योरिटी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है कि अभी तक हम मिल्क में बात करते थे कि इनमें कि सिंथेटिक मिला हुआ है या है, लेकिन मिल्क की ऑथेंटिसिटी इटसेल्फ इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आपको ये नहीं पता कि दूध कैसे आ रहा है, आपको ये नहीं पता कि बीमार गाय से आ रहा है, आपको ये नहीं पता कि उसका सोर्स क्या है। तो उसी उसमें देखा कि भाई हमने कि यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाई जाएं और एक पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से अनटच्ड मिल्क बिना किसी मिलावट के दूध को कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाया जाए। मेरा दूध जो है अनटच्ड मिल्क है, ह्यूमन टच कहीं इसमें नहीं है। मेरे पास 24 गायों का मिल्किंग पार्लर है 2x12 करके डी लेवल का, वहाँ पे 24 गाय जाती हैं और 5 से 7 मिनट में मिल्किंग अपने आप हो जाती है गाय उसके करके, और फिर साथ दूध अपने आप BMC में चला जाता है, वहीं से फिर पाश्चराइजेशन होगा, होमोजनाइजेशन होगा और वहीं से फिर पैकेजिंग में चला जाता है। और मेरी पैकेजिंग भी एक तरीके से बिल्कुल अलग है, ना बॉटल में है ना प्लास्टिक में है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि एनवायरनमेंट से लेके बात करते हैं, तो मेरी पैकेजिंग गेवल टॉप में है, दैट इज़ टोटल बायोडिग्रेडेबल। पैकेजिंग के लिए मैं कहूँगा कि वो पैकेजिंग थोड़ी एक्सपेंसिव है बजाय बॉटल के और प्लास्टिक के, लेकिन जब चूँकि मेरा कमिटमेंट है कि कंज्यूमर को बेटर चीज़ देनी है तो उसके लिए तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कहेगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट मेकिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी नाउ। मेरा को है कि कंज्यूमर को मैं बेस्ट क्या दे सकूं, तो उसी उसमें है कि पैकेजिंग मेरी आती है, उसको थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन कंज्यूमर को देने के लिए तो उसको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। चंद्रपाल जी यहीं तक नहीं ठहरना चाहते, उनकी आगे की रणनीति एग्री टूरिज्म की है, जिससे शहरों में रहने वाले युवाओं को गाँवों का सही अनुभव मिल सके और वो प्रकृति से मिलने वाली चीजों की अहमियत समझ सके। इसके अलावा चंद्रपाल जी फार्म में पाली जा रही 24 गायों के लिए चारा खुद तैयार कर रहे हैं, इसके लिए गांव के किसानों की मदद भी लेते हैं जो उनके लिए जैविक रूप से चारा उगाते हैं। इसके बदले में किसानों को भी अतिरिक्त आय होती है। एग्री टूरिज्म को भी लेके आगे भविष्य में एक योजना है कि अब शहरों के जो बच्चे हैं आप उनसे बात कीजिए कि दूध कैसे आता है, तो वो बताएंगे पॉलीथिन में आता है, बॉटल में आता है, या मदर डेयरी के वहाँ पे सिक्का डालिए वहाँ से दूध आता है। दे डू नॉट नो कि दूध कहाँ से आता है, दे डोंट नो कि उनको प्रोड्यूस कैसे आता है, कि उनकी सब्जियाँ कैसे उगती हैं, उनके गेहूँ कैसे आता है, उनको आटा कैसे मिलता है, उनका चावल कैसे आते हैं। तो उसमें एक है कि एक एग्री टूरिज्म को लेके मेरा एक विचार है कि यहाँ पे कुछ ऐसे हट्स बना दिए जाएँ, कुछ इस तरह का किया जाए कि बच्चे स्कूलों से बच्चे आएँ, वो इस तरह के देखें कि दूध कैसे निकलता है। पशु आहार पे गांव वालों के साथ अभी जैसे मैं ग्रीन जो है मक्का उनसे उगवाता हूँ मैं, तो ग्रीन में मक्का चलती है, तो उनको मैं बताता हूँ कि भाई मक्का में हमने आप केमिकल को कम यूज़ करना है, और उनको नॉलेज देता हूँ, अपना गोबर उनको यूज देता हूँ जिससे कि भाई वो कम से कम यूज़ हो, उनका केमिकल यूज़ ना हो बिल्कुल भी। अपना अभी आजकल सर्दियां हैं तो बरसीम का समय है, बरसीम उगवाता हूं, तो इस तरह से किसानों के साथ भी जोड़ के उनको यहां पे उनका फ़ायदा भी होता है और मेरी गायों को एक अच्छा भोजन भी मिलता है। पशुपालन के क्षेत्र में मुझे रुचि है और ये हमारे जो भाई साहब हैं CP सिंह, चंद्रपाल सिंह, इनसे बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जो आदमी एक एजुकेटेड होके इस क्षेत्र को चुनता है तो हमें इनसे लाभ भी बहुत है, क्योंकि ये मक्का करवाते हैं जो साइलेज के काम आती है, तो हमें उससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। ऑर्गेनिक खेती करिए, जैसे मक्का है इसका साइलेज बनना है, ऑर्गेनिक हरा चारा है, ग्रीन चारा जिसे बोलते हैं वो करना है, और मिल्किंग वगैरह की भी जानकारी देते हैं हमको यहाँ पर, मिल्किंग कैसे होती है जिससे हमारा भी रोजगार चलता है। चंद्रपाल जी ने सदियों पुराने व्यवसाय को नया रूप दिया है, वो अपने इस व्यवसाय में डिजिटल मार्केटिंग अपनाकर लोगों तक उत्पाद की पहुंच आसान बना रहे हैं। वो मानते हैं कि आधुनिक समय में व्यवसाय करना अब ज्यादा आसान है, युवा वर्ग चाहे तो नौकरी की तलाश में गांव को छोड़ने की जगह गांव में ही बाकी लोगों को रोजगार देकर उन्हें भी सशक्त बना सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी।
गांव किसान कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर हमारे पहले के प्रसारित एपिसोड्स को आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी अपना रखिए ख्याल, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।